ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਸੋਦਬਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का। ज्वाइंट जनरल अपना तजर्बा साझा कर सारे ते उस तो बाद इस चौथे अधिवेशन दे विच आरसीएम एम्पलाई यूनियन दी नवी बॉडी दा भी गठन कीता जाना ओदी परमी सिंह खालसा प्रेजिडेंट आरसीएम एम्पलाई यूनियन। ये साडा चौथा अधिवेशन है जिहदे विच असीं इस अधिवेशन दे विच किसान आगू सदे ने क्योंकि किसान हुणे हुणे बहुत वड्डा इक संघर्ष जित के आए ने। रेलवे ही केंद्र सरकार दे अंदर अंडर आउंदी है ते रेलवे नूं भी इसे तरह जिहड़ी है सरकार जिहड़ी है वह कारपोरेट घराणियां दे कोल बेचण दे उत्ते जिहड़ी पूरी तैयारी करी बैठी है और इस संबंध विच इह अधिवेशन जिहड़ा वा होर भी बहुत अहम हो जाता। इत्थे समुची इंडियन रेलवे इंपलाई फैडरेशन की जिहड़ी लीडरशिप पहुँची है, किसान आगू पहुँचे ने जिहड़े जित के आए ने, बैंकों के आगू पहुँचे ने, बैंकों की दो दिन की हड़ताल चल रही है क्योंकि सरकार टोटल सिस्टम नूं निजीकरण करना चाहती है, चाहे वह बैंक ने, चाहे वह रेलवे है, चाहे वह एयरपोर्ट है, जिन्हें भी केंद्र सरकार के अदारे ने। ईवन कि हुण किसानी वाला जिहड़ा संघर्ष है उसने घट्टो घट्ट यह दिखा दिता कि सरकार नाल लड़ना किवें है, लंबा संघर्ष लड़िया। इस तरह इस अधिवेशन के किसान आगू नूं बनाउण दा साडा मतलब इक्को सी कि उहनां दे नाल उहनां दा तजर्बा साझा करिए, इस तों अगे जिहड़ी रेलवे नूं जिहड़ी है वह अपनी इस रेल नूं बचाउण दे लई लंबी लड़ाई लड़नी पैणी क्योंकि रेलवे एक इहो जिहा संगठन है, रेलवे इहो जिही इक चीज़ है कि एक गरीब तो लैके अमीर तक ये सफ़र करके अपने बहुत दूर रिश्ता मिल सकता। पर अगर यही रेल निजी कंपनियां कोल कारपोरेट घराणियां कोल चले गई तो जिहड़े गरीब मजदूर किसान जिहड़े ने वह रेल का सफ़र नहीं कर सकणगे। सरकार का काम है मुनाफा कमाना पर रेल मुनाफे लिए नहीं है, ये तो देश के लोगों के सुविधा लिए है, इतने लोगों को रुजगार भी मिले, उन्होंने सुविधावान मिलन, वो दूर दूर सफ़र करके अपने रिश्तों का सफ़र जोड़ा वह धार्मिक यात्रा कर सकन। पर अगर ये निजी कंपनियों के कोल बिरला टाटा अडानी अंबानी के हाथों में दे दी गई तो फिर इस देश के लोग जोड़े है वो तरा तरा करे। इस करके रेल में सैकंड आर्मी भी कहा जाता क्योंकि अगर जंग लगती है तो उस लड़ाई के जोड़ा मिशन पहुँचा जिन्ना भी है गोला बरू वो रेल पहुँचा सकती है। तो रेल जी कोविड के भी रेलवे ने जोड़ा बहुत काम किया, ढोआ ढुआई का काम किया, बहुत सारे साडे रेलवे दे ड्राइवर जिहड़े ने शहीद भी होए ने पर कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ने काम नहीं किया, रेलवे के हस्पतालों ने काम किया। जे कल अडानी अंबानी को रेल गई अगर युद्ध लगता तो उन्होंने तो पैसा कमाना तो उस समय देश दी जिहड़ा वा वह बिकन वाली शर्मसार गल होगी। जी मनजीत सिंह पंधेर तो रुलदू सिंह जी वह पहुँचने ने, मनजीत पंधेर आ गए ने, इस तरह फैडरेशन के आगू आए ने, इस तरह जिहड़े बैंक के आए ने उन्होंने सारयां नूं इत्थे ही सन्मान भी करना। पंधेर साहब आए ने असीं फुल्लां दी वरखा नाल उन्हां दा स्वागत किया क्योंकि बहुत वड्डी युद्ध जित के आए हैं और नवी दिशा लोगों के उन्होंने फूकी है पूरे देश के मजदूर किसानों के संघर्ष लड़ के जितया जा सकता। जिहड़े लोग डरे हुए सन भी ये सरकार नूं हरा नहीं सकते, झुका नहीं सकते, कुछ नहीं बचना, अज उन्हां सभना अंग अंदर जिहड़ा वा वो जोश भरिया गया भी हाँ लड़के जिहड़ा वा सरकार कोलों हर हक लिया जा सकता। अज उन्हां दा सन्मान भी करना, उन्हां दे संघर्ष के तजर्बे नूं भी सुनना ते उस तों बाद इंडियन रेलवे इंपलाई फैडरेशन जिहड़ी है वो नवी संघर्षी रूपरेखा तय करके नवे जिहड़े साडे मापदंड ने उन्हां नूं इस अजलास दे विच इस अधिवेशन दे विच पास करा के आने वाले समय दे विच जिहड़ा वा भारतीय रेल के अंदर जिहड़ा वा तिखा संघर्ष करके कारपोरेट घराणियां तों निजी कंपनियां तों इस रेल नूं बचाउण दा जिहड़ा वा वो अज इत्थे प्रण किया जाएगा। तो जिन्नियां होर जथेबंदियां बैंकां दीआं आईआं ने जां किसानां दीआं आईआं ने उन्हां कोल सहयोग मंगांगे कि आने वाले समय दे विच रेलवे कर्मचारी जिहड़ा संघर्ष करदे ने उहदे विच अपना भरपूर सहयोग दे सकण। असीं भी रेलवे ने भी किसानों के संघर्ष बहुत बड़ा सहयोग दिता जिथे पैसे ते लंगर ते ते उत्थे पहुँच के जिहड़ा वा थां थां ते रैलियां दे विच पहुँच के करके पहुँच के सहयोग दिता क्योंकि अज समुचे मजदूर किसान एक हो के लड़ रहे हैं। तो यही एक फार्मूला है सरकार दियां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੇਚੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਵਾ।